हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में स्ट्रेची हेड के बारे में सीखेंगे। जो टूनी स्ट्रेची हेड होता है किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो ये मेरा पूरा बॉडी का ग्रुप है, जो मेरा हेड है वो बॉडी से कंबाइन है, जो बेस बॉडी है उसके साथ कंबाइन है। तो इस ग्रुप को मैं डुप्लिकेट कर लूँगा और अनपेरेंट कर लूँगा इस तरीके से, और इसको मूव कर लूँगा। उसके बाद जो अननेसेसरी जो मैश है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। जो हेड एरिया का हमारा जो मैश है उसको रखूँगा, वन बाय वन जो है मैश को सेलेक्ट करते जाऊँगा, सबके वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा। मुझे जितने एरिए में इन्फ्लुएंस चाहिए टूनी हेड बनाने के लिए, जो स्ट्रेची हेड होता है जितने एरिए में हमें बनाना है उतने एरिए को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सो ये देखिए, मैंने ये सभी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं रिगिंग सेक्शन में जाऊंगा और डिफॉर्मर मेन्यू में जाके यहाँ पे हमारा एक कमांड है लैटिस, इस लैटिस ऑप्शन को मैं ओपन करूंगा। जो डिवीज़न है उसको मैं 5 5 5 कर दूंगा। ये देखिए हमारा लैटिस लग गया उस एरिया में, जिस एरिए तक हमारा जो वर्टेक्स सेलेक्ट था उस एरिए तक लग गया। तो ये भी एक बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट देता है, जो हमारा टूनी टाइप कैरेक्टर जो होते हैं एनिमेशन हमें करनी होती है तो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैं सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लूँगा और इसका जो रेडियस है वो मैं बढ़ा लूँगा। उसके बाद मैं वाई एक्सेस में मैं ट्रांसलेट करके और इसको स्केल कर लूँगा, मिडिल स्केल कर लूँगा। इस तरीके का मैं कुछ अपने हेड को एक प्रोपोर्शन दे दूँगा। ये देखिए जो नॉर्मल हेड है और ये हमारा स्ट्रेची हेड है, तो इस तरीके से इफ़ेक्ट आ रहा है। तभी देखिए मेरा ब्लेंड शेप अप्लाई है मेन फेस पे, तो मैं ऐड ब्लेंड शेप कर लूँगा और जिस पे ब्लेंड शेप नहीं है उसको ब्लेंड से ऐड कर लूँगा। तो ये मेरा ऐड हो जाएगा नोड जो फेस बीएस है उसके अंदर। ये देखिए ये हमारा वर्क कर रहा है। बाकी के ब्लेंड से को मैं इसी तरीके से ऐड कर लूँगा। देखिए अभी जो मेरा हेयर है वो इस पर कोई ब्लेंड नहीं लगा है, तो मैं नया एक ब्लेंड से क्रिएट करूँगा। सो अब हमारे सारे ब्लेंड शेप ऐड हो गए। अब जो हमारा ब्लेंड शेप नोड है वो ऊपर है और स्किन नीचे, तो इसको मैं जो है इनपुट ग्राफ से मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। पहले मेरा स्किन आएगा, उसके बाद मेरा ब्लेंड शेप नोड आएगा। सो ये हमारे सभी ब्लेंड्स जो है अरेंज हो गए एक हायरार्की में। अब उसके बाद मैं सभी जो ब्लेंड से मैंने ऐड किए हैं उसको कनेक्शन एडिटर के थ्रू, जो हमारा टूनी कंट्रोलर है उसके साथ मैं कनेक्ट कर लूँगा, वाई जो हमारा एक्सेस है उस कंट्रोलर के साथ।
सो देखिए दोस्तों, ये हमारा कंट्रोलर जो है ऐड हो गया। अब मैं की फ्रेम लगा लेता हूँ, एनिमेशन टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए इस तरीके से जो है हमारा टूनी है वो वर्क कर रहा है। सो ये बहुत यूज़फुल जो है रिग होता है, ब्लेंड शेप होता है, जो किसी भी टूनी एनिमेशन में यूज़ करने के लिए। ये देखिए मैं एक छोटा सा एनिमेशन जो है क्रिएट किया इस तरीके से। देखिए ये देखिए, अभी मैं अभी चाहता हूँ कुछ एडजस्ट करना, तो अभी भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जितना भी पोर्शन हमें लगता है कि थोड़ा और करेक्ट करना है तो कर सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी जो हमारा कैप रह गया था उसको किस तरीके से ऐड करेंगे, जो हमारा लैटिस है उसके अंदर एक मेंबरशिप किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।